आपका पुराना घर है या फिर आप नया घर बना रहे हैं, दो समस्याएं हमेशा रहती हैं, चाहे कोई बड़ा आलीशान घर हो या फिर छोटे गज में बना हुआ घर हो। वो समस्या होती है एक तो दीमक की और दूसरी सीलन की। ये आपको हर सेक्टर में नजर आ जाएगी, हर पोश एरिए में नजर आ जाएगी, लेकिन उसी दीमक के छुटकारे से आपको निजात दिलाने के लिए, साथ ही साथ उसी सीलन से आपको निजात दिलाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं श्री श्याम कंस्ट्रक्शन पर, जो करनाल के मुगल कनाल में खुल चुका है। शॉप नंबर 3 है, जो गांधी जूस कॉर्नर है ठीक उसके नजदीक है। यहाँ के ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आपके लिए वो क्या खास लेकर आए हैं, और आपके घर में जो दीमक है जिससे आप परेशान हैं, आपके घर में जो सीलिंग की समस्या है, थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि आपके घर की छत टपकने लग जाती है, वो जो समस्या है उसका समाधान कैसे हो सकता है, सर हमें बताएंगे। सर क्या कुछ खास लेकर आए हैं करनाल की पब्लिक के लिए, क्योंकि आम समस्या है एक दीमक की और एक सीलन की, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि छत टपकती है और फिर पूरा घर नीचे से सीलन, ऊपर से सीलन, चारों तरफ सीलन ही सीलन। पहले तो सबको जय श्री श्याम जी, थैंक यू फॉर यू, आप यहाँ पे आए मेरे पास, ठीक है जी, और थैंक फॉर मेरे स्टाफ जो है, जिस टीम ने मेरे साथ ये बनके तैयार किया है, जिन्होंने मुझे बताया है कि हमें किसे कैसे अवेयर होना चाहिए, जो आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने बताया जी। सो जैसे कि आपने बताया कि आजकल मार्केट में सबसे मेन चीजें क्या है कि दीमक और सीलन की सबसे ज्यादा समस्या है जी, बट क्या है कि अवेयर नहीं है लोग जी उस चीज को देखें। लोगों को क्या लगता है कि आज की डेट में ना डॉक्टर फिक्सिड केमिकल्स है, अदर कंपनीज भी बहुत सारी है, बट उनको अवेयर नहीं है कि हमें केमिकल कौन सा यूज करना चाहिए, कहाँ क्या चीज यूज होनी चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर फिक्सिड का LW आता है जी, तो क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्टर्स बताते हैं कि आप इसको सीमेंट में मिलाइए और आपका सीमेंट वाटरप्रूफ हो गया, आपके घर में सीलन नहीं आएगी जी, बट जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए डॉक्टर फिक्सिड में अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं जी सारे, जैसे LW हो गया, डॉक्टर फिक्सिड का 301 आता है, PDQ URP आता है, URP की अलग कोटिंग होती है, URP में क्या होता है कि हम उसको मिक्सिंग करने के बाद रिपेयरेबल होता है सारा, फिर हमारे पास सिक्का के आते हैं प्रोडक्ट्स कुछ। अगर जो किसी का घर बन चुका है, बारिश के कारण छत टपक रही है, आसान भाषा में हम उन्हें क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, कैसे वो पानी बंद हो सकता है? देखिए जिस घर में सबसे मेन चीज क्या होती है, अगर हमारा लेंटर अभी डला है और हम शिफ्ट नहीं हुए या हमने टाइल्स लगाई है, तो हम टाइल्स के ऊपर भी वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं, टाइल्स के ऊपर भी वाटर प्रूफिंग हो जाएगी, और अगर टाइल्स नहीं लगी है, अगर सीमेंटेड छत है तो उसके ऊपर भी वाटर प्रूफिंग। सबसे बेस्ट वही तरीका होता है सर, सीमेंटेड छत के ऊपर जब हम वाटर प्रूफिंग करते हैं वो सबसे बेस्ट है, लेकिन कई बार गलती हो जाती है। नहीं नहीं, उसके लिए भी अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे हमारे पास अभी मैं आपको दिखाता हूँ नियोपेंट्स का RC 200 के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, ये व्हाइट बेस में होता है, हम इसको घर के छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग है जी। तो इसको क्या करते हैं, हम घर की छत को हम पहले क्लीन करेंगे प्रॉपर वे से, ठीक है, इसकी कोटिंग होती है, पहले प्राइमर कोट होता है, फिर दो कोट उसके ऊपर अलग अलग तरीके से हम करते हैं, इसमें क्या होता है और जो गैप है वो भी आप फिल करते हैं, उसके लिए क्रैक सील्स आते हैं हमारे जी, जो टाइल्स के बीच में गैप हो गया वो भी होगा, हर चीज होगी। अब ये देखिए ये फुली इलास्टोमेरिक रबराइज मेम्ब्रेन टाइप में केमिकल आते हैं जी, इसके अंदर कोई सीमेंट बेस नहीं होता, ठीक है जी, हम इसको भी यूज करते हैं प्रॉपर वे में, देन उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं अगर हमने टाइल्स लगाई हुई है, ठीक है जी, हमारा हीट इंसुलेशन का आता है सन ब्लॉक के नाम से, यानी कि वाटर प्रूफिंग की बात करें पहले ये लगेगा फिर उसके ऊपर ये होगा, यानी कि 2-3 कोट होंगे, क्योंकि व्हाइट बेस हम इसलिए करते हैं कि छत की तपत कम हो, अगर हम ब्लैक करेंगे तो उससे हीट ज्यादा होगी, फिर नीचे गर्मी ज्यादा आएगी, वो चीज़ें। सो इसको वाटर प्रूफिंग के लिए आपके पास सॉल्यूशन है, आपका घर बन चुका है, अगर अभी बन रहा है, अगर सिमटेड छत है तो उसके ऊपर करवा लेंगे तो बहुत आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, यानी कि जो बारिश तेज आती है उससे आपको निजात मिल जाएगी, आपके घर में सीलन नहीं होगी, आपकी जो छत है वो टपकेगी नहीं, अगर टाइल लग चुकी है आप रह रहे हैं फिर भी पानी टपकता है, पानी ऊपर जमा हो जाता है, तो उसके लिए आपके पास नियो पेंट्स है, साथ ही साथ सिक्का है, डॉक्टर फिक्सिट है, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, बस आपको एक बार आना है श्री श्याम कंस्ट्रक्शन पर। ये वाटर प्रूफिंग के बारे में हमने आपको बताया, दो सॉल्यूशन है, एक टाइल लगने के बाद और एक टाइल लगने से पहले। इसके अलावा दीमक की एक समस्या आती है, वो आम घरों में कहीं पर भी देख लें, कोई पोश इलाका देख लें, सेक्टर 32 देख लें, 33 देख लें, कहीं भी देख लें, उस समस्या का क्या निजात? देखिए सर दीमक का क्या सॉल्यूशन होता है, जैसे हम नया मकान बना रहे हैं वो हमारी नींव से स्टार्ट हो जाता है जी,
जब हम उसका प्रोसेस करते हैं, जैसे हमने नीम की खुदाई की, उसमें एक फिट बाय एक फिट पे ना हम गड्ढे करने के बाद केमिकल्स इंसर्ट करते हैं। बायर क्रॉप साइंस के केमिकल होते हैं, यूपीएल के भी आज कुछ केमिकल्स आ गए हैं। रीजन क्या है इनका? सबसे मेन मोटिव क्या है कि ये ऑडरलेस केमिकल होता है, प्रॉपर बच्चों को हार्मफुल नहीं होता। इसको हम जैसे हमारा घर बन गया है, टाइल्स है हमारी, वन बाय एक फिट बाय एक फिट पे हम होल करने के बाद ड्रिल मशीन के साथ हम होल करते हैं, उसके अंदर केमिकल इंसर्ट करते हैं, देन उसके अंदर ये स्मेल नहीं होती। सबसे वो प्रोसेस है जब आपका घर बन रहा है। बनने से पहले क्या होता है, जैसे हम नींव से चले, हमने केमिकल डाला पूरी नींव में, उसके बाद हमने जो हमारा मिट्टी लेवल हो गया, सोयल लेवल हो गया, कच्चे फर्श से पहले हम क्या करेंगे, एक एक फिट के गैप पे होल करेंगे, उसके अंदर केमिकल डालेंगे प्रॉपर वे में, और जो हमारा रोड़ा डलता है, गटका बोलते हैं जिसको 40 mm का, उसके ऊपर स्प्रे होता है टोटली, फिर उसके ऊपर जो हमारी डोर फ्रेम होता है, चौकटे जितनी होती है, उसके अंदर केमिकल के साथ हम स्प्रे करते हैं, हमारी किचन होगी, वार्डरोब्स होगी, जितना भी वुडन एरिया होगा हम उसको प्रॉपर ट्रीट करके देंगे। जो आप काम कर रहे हैं क्या उसमें वारंटी वगैरह भी है? जैसे आपने वाटर प्रूफिंग की बताया, अब दीमक का आप बता रहे हैं, क्या उसमें वारंटी मिलेगी? वारंटी चलते हैं 3 साल, 5 साल और 10 साल वाटर प्रूफिंग में। जैसे हमारा यूआरपी वगैरह हम कोटिंग करते हो, 3 साल में आ जाता है, 5 साल में डबल कंपोनेंट आ जाता है। मैंने आपको नियो का इलास्टोमेरिक रबराइज मेम्ब्रेन जो बताया था, इसकी हम 10 साल की वारंटी देके चलते हैं। हीट इंसुलेशन में इतना ही रहता है, ठीक है जी। और रही दीमक की बात, तो 2 साल जो पुराना बगान बना हुआ, 2 साल हो गया, 3 साल हम उसको लेके चलते हैं जो इवनली 4-5 साल से बना हुआ है। ये दीमक का जो आपने बताया जब घर बन रहा है, अगर घर बन चुका है तब 2 साल जो घर बना हुआ है पहले से ही ऑलरेडी 10-20 साल पुराना, 2 साल उसमें, उसमें काम कैसे करेगा ये? उसमें क्या होगा सर, एक फिट पे होल करेंगे वॉल के पास में, ठीक है जी, उसके अंदर केमिकल डालेंगे। अब जैसे हमारा वुडन है, वुडन में क्या होता है कि पीछे कुछ गैप्स हो जाते हैं, उसके अंदर केमिकल इंसर्ट हो जाता है, ये उसके अंदर होल करने के बाद हम केमिकल डालते हैं। यानी कि दोनों ही प्रोसेस में आप करवा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आपका घर बना हुआ है तब भी और आपका घर बन रहा है तब भी, यानी कि पूरा प्रोसेस हो जाएगा। एक और नई चीज है वो आपको हम दिखा देते हैं, सनब्लॉक चिल कोटिंग। ये अर्थ ये है, यानी कि बहुत गर्मियां होती हैं जून में, जुलाई में, मई में, और आपकी छत तप रही होती है और सीधा जो धूप है या तापमान है वो आपके कमरे तक आता है, फिर गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, फिर आप एसी चला रहे हैं एक ही कमरे में दो, किस तरीके से ये काम करेगा? क्या होता है सर, जैसे हमने टाइल्स लगा दी, जी, टाइल्स लगने के बाद जैसे उसके अंदर सबसे पहले हम वॉटर प्रूफिंग लेके चलते हैं कि नीचे पानी ना जाए, जी, उसके बाद हम इसकी कोटिंग करते हैं, जी, ट्रिपल लेयर में कोटिंग होती है, जी, ये हमारे जैसे सनरेज आते हैं पर छत पे, ट्रिपल कोटिंग होती है, जी, जैसे सनरेज आई इसको रिफ्लेक्ट करता है कि हीट को नीचे नहीं आने देता, जब हीट नीचे नहीं आएगी तो हमारी छत कम तपेगी और हीट कम रहेगी रूम्स में। तो ऊपर कितना मतलब 10 से 12, 8-10 कितने इतना तापमान वो कर लेता है। सबसे बड़ी बात सर, हमारे फैक्ट्रीज एरिया में आपने देखा है कि उसपे क्या होता है, टीन शेड लगे होते हैं, जी, इसको हम टीन शेड पे भी कर सकते हैं, टीन शेड के ऊपर भी हो जाएगी, उसको भी हीट प्रूफ करके देगा या प्रॉपर वाटर प्रूफ भी करके देगा। कहां पर आना है, कौन करवा सकता है, क्या खास है, आप एक बार फिर से बता दीजिए। श्री श्याम कंस्ट्रक्शन के नाम से हमारा है, शॉप नंबर 3 नियर गांधी जी कॉर्नर, जी, ठीक है जी, आप आइए विजिट कीजिए, हमारे पास जितने भी केमिकल्स हैं हम आपको प्रॉपर वे में उसकी गाइडेंस देंगे कि विजिट के लिए भेजेंगे, अगर कोई जरूरत है किसी को किसी भी सेक्टर में आप कॉल कीजिए, हम वहाँ पे आएंगे, स्टाफ मेंबर्स भी हैं, हम भी हैं, और हमारा आप हमारे यहाँ विजिट भी कर सकते हैं, प्रॉपर हम आपको गाइड करेंगे कि आपको ये केमिकल इस चीज में यूज करना चाहिए, जैसे उनकी जरूरतें होंगी ना उसको पूरा करके दे। 3 खास चीजें एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपके लिए लेकर आए हैं। पहली है वॉटर प्रूफिंग, अलग अलग कंपनीज की हैं, आपका घर बन चुका है या बन रहा है तो आप छत पर सीलन की बचाव के लिए वॉटर प्रूफिंग करवा सकते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, आपका घर में सीलन ना आए। दूसरी खास दीमक के लिए है, दीमक हर घर में देखने को मिलती है, आपका घर खा जाती है, घर बन रहा है, बन चुका है, नहीं घबराना है, दीमक का जो निजात है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। तीसरा सनब्लॉक, यानी कि गर्मी ज्यादा आती है, सीधा किरणें कमरे तक आती हैं, तो 8 से 10 डिग्री का जो तापमान है वो कम हो जाएगा। कोई और जानकारी सर? सबसे मेन क्या है सर, इस सन ब्लॉक को ना आउटर साइड में भी कर सकते हैं अपने घर की, जैसे कि साइडों की वॉल्स साइडों की हीट ना आए, हम छत पर तो हो ही जाएगी, साइड्स की जो वॉल्स हैं उस पर भी हो जाएगी। सबसे मेन चीज ये तमाम जानकारी आपके लिए जरूरी है क्योंकि घर सभी का सपना है और आप चाहते हैं वो घर हमेशा चमकता रहे, लोग आए तो उस घर की तारीफ करें,
लेकिन आपके घर में अगर कोई आएगा वहां पर सीलन है, फिर ये कहेगा कि सीलन पर थोड़ा सा पैसे खर्च कर लेते, कोई दीमक देखेगा तो दीमक की के कारण आपके घर की थोड़ी सी बुराई कर देंगे कि यार अच्छा काम नहीं करवाया, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सब मिजात आपको एक ही छत के नीचे मिल रहा है। श्री श्याम कंस्ट्रक्शन करनाल के मुगल कनाल में, नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, टीम आपके घर विजिट करेगी। और मुगल कनाल शॉप नंबर 3 गांधी जूस कॉर्नर के नजदीक, आपका घर हमेशा चमकता रहे, वहां पर लोग आते रहे, आपके घर की तारीफ करते रहे, उसके लिए ये तीनों चीजें जरूरी हैं। 3 में से अगर आप 2 भी करवाएंगे तो वो जरूरी है, जरूरी है दीमक वाला, जरूरी है वाटर प्रूफिंग, और अगर कोई सन ब्लॉक करवाना चाहता है तो वो भी आपको यहां पर मिलेगा। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारायण।